बड़ी खबर ही आपको देंगे, 3T फॉर्मूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मॉड्यूल 3T मॉड्यूल कोरोना पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में सिर्फ 339 नए कोविड के केसेस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। साथ ही साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घट गई है, 0.1% रह गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या भी 8000 रह गई है। यूपी की बात करें तो यूपी से छोटे राज्यों में इससे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कल एक दिन में 14016 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 10442 केस आए। केरल में 11584 केस आए। आंध्र प्रदेश में 6770 नए केस सामने आए। आबादी के लिहाज से इतना बड़ा प्रदेश है और वहां पर भी कोरोना के केसेस कम है। और टेस्टिंग की बात करें तो सभी राज्यों के तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग, सबसे कम केस, पॉजिटिविटी रेट 0.1%। अब इटावा से बड़ी खबर, जहां पर फरार चल रहा गैंगस्टर सपा नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा से बड़ी खबर, फरार चल रहा था ये गैंगस्टर सपा नेता धर्मेंद्र यादव पकड़ लिया गया है। कचहरी में सरेंडर करने के लिए ये आ रहा था, इससे उसे पहले ही पता चला कि गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद फारिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। फारिक, कब और कहां से गिरफ्तारी हुई है धर्मेंद्र यादव की? मैं आपको बता दें, कचहरी परिसर में आज सुबह ये 10:30 बजे ये सरेंडर करने के उससे आया हुआ था, लेकिन गेट नंबर 3 पे इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि अभी इस बारे में कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोपहर 1 बजे SSP ने प्रेस रखी हुई है। बताते चला कि 4 जून को इटावा जेल से जो रिहाई हुई थी, उसके बाद गैंगस्टर जो सपा नेता है, जिला पंचायत सदस्य भी है धर्मेंद्र यादव, इनके समर्थकों ने जो हुजूम निकाला था, उसके बाद ये सुर्खियों में आए थे। तब इटावा पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद धर्मेंद्र फरार चल रहे थे, 8 टीमें लगाई गई थी। उसके बाद आज जब ये सरेंडर करने आए, तब इनकी गिरफ्तारी की गई है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गेट नंबर 3 से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें जानकारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र यादव जैसे ही जेल से रिहा हुआ, उसके बाद आपको याद होगा कि बड़ा हुजूम, बड़ा गाड़ियों का काफिला कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ गया था। श्रावस्ती में मानसून की दस्तक ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां आला अधिकारी पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वहीं मधबापुर घाट पर जिस पिछले साल भिगना और जमुना को जोड़ने वाले 2-लेन सड़क पर को जो है अब राप्ती ने काट दिया है। तकरीबन 3 दर्जन गांव के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने पिछले बरसात में बोरियों से ईंट भर भर कर इनको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही और लगातार राप्ती ने इनको काटने का प्रयास जारी रखा। इस बीच प्रशासन ने कटान रोकने के लिए 0 बैग्स में बालू भरकर नदी के किनारे रख दिए हैं।